नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पवन गुप्ता। मैं दिल्ली स्थापित हिंदूराव हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर की पोस्ट पे कार्यरत हूं। दोस्तों, मैं महोबा न्यूज़ के माध्यम से आपसे पहले भी मिल चुका हूं। इस कोरोना महामारी के समय पे मैं महोबा न्यूज़ के माध्यम से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा और महोबा न्यूज़ ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं। उसके लिए मैं महोबा न्यूज़ का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते दो हफ्ते में आप तक एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं और आप तक वो वीडियो पहुंचाता रहूं, ताकि इस दौर में आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल चीज़ों के बारे में पता चलता जाए और आने वाली दिक्कतों से हम मिलकर साथ में लड़ सकें। आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि बच्चे को अगर इस दौरान या कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये लक्षण बच्चे में नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है, कब आपको बच्चे के डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना है। आप महोबा न्यूज़ के माध्यम से मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम, ताकि अगर बच्चे को कोई भी दिक्कत हो रही हो तो उसको सही टाइम पे, सही समय पे एक इलाज मिल जाए और बच्चे और आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे उन लक्षणों के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऐसे कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो बच्चों में दिखते हैं, उस कंडीशन में आपको तुरंत अपने बच्चे के डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है। तो उसमें सबसे पहला है फीवर। इसको नापने के लिए आप एक थर्मामीटर घर पे ही रख लें। अगर बच्चे को 100 से ज़्यादा बुखार आता है, इसका मतलब कि बच्चे को कोई ना कोई इन्फेक्शन की वजह से बुखार आ रहा है। जन्म से लेकर 3 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनमें जनरली फीवर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बच्चे के डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा ठंडा पड़ रहा है तब भी आप बच्चे के डॉक्टर को ज़रूर जाके मिलें। अगर बच्चे की उम्र 3 महीने से ज़्यादा है तो इन्फेक्शन भी एक फीवर का कारण हो सकता है या फिर और भी कारण हो सकते हैं। तो अगर लगातार बच्चे को एक दिन से ज़्यादा बुखार आ रहा है, ऐसी कंडीशन में आपको अपने बच्चे के डॉक्टर को दिखाना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है अगर आपका बच्चा फीडिंग अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दूध, जैसे कि कई माओं को पहले से पता होता है कि उनका बच्चा पहले कितना फ्रीक्वेंटली दूध लेता था, अगर बच्चा पहले की तरह एक नॉर्मल फीड नहीं ले रहा है, बच्चा फीड रिफ्यूज़ कर रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता है या कॉन्स्टेंट है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको आपके बच्चे के डॉक्टर को दिखाना है, ताकि वो अच्छी तरीके से उसको चेक करें। और उसके बाद अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, किन किन वजह से नहीं बढ़ रहा है, अगर बच्चा फार्मूला फीड पे है या ऊपर से दूध लेता है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है वो सारी कैलोरीज को काउंट करके आपको कुछ अच्छा और बेटर सजेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन अगर बच्चा दूध नहीं पीता है तो भी ये एक अलार्मिंग साइन है, आपको अपने बच्चे के डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। इसके बाद जो एक लक्षण हो सकता है ड्राई डाइपर। नॉर्मली बच्चा 6 से 8 बार पेशाब करता है, अगर बच्चा 6 से 8 बार पेशाब कर रहा है इसका मतलब है कि आपका बच्चा हाइड्रेटेड है, मतलब उसमें पानी की कमी नहीं है। अगर बच्चा पूरे दिन में 6 बार से कम पेशाब करता है तो ऐसी कंडीशन में, या बच्चे का जो होंठ है वो सूखे रह जाते हैं, ड्राई रहते हैं, ऐसी कंडीशन में उसको डिहाइड्रेशन होने के कुछ साइन होते हैं। अगर ऐसे कोई लक्षण आपको मिलते हैं तो भी आपको बच्चे के डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। या इसके अलावा अगर बच्चे की यूरिन का कलर जो है वो चेंज हुआ है, पहले से ज़्यादा डार्क हो गया है या उसमें ब्लड आ रहा है, ऐसी कंडीशन में भी आपको बच्चे के डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है। जन्म से लेके 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें यूरिन और स्टूल पैटर्न एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर होता है आपको पहचानने के लिए कि बच्चा आपका हेल्दी है या नहीं। तो इस टाइम पे आपको ज़रूर यूरिन और स्टूल का पैटर्न नोट करते रहना है, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होता है तो आप अपने बच्चे के डॉक्टर से एक बार जाके कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और जो सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक लक्षण है जो बच्चों में फ्रीक्वेंटली देखा जाता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है ब्रीदिंग पैटर्न। कई बार जो बच्चे का रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, मतलब 1 मिनट में बच्चा कितनी बार सांस ले रहा है, ये लगभग डिपेंड करता है बच्चे की एज में। तो 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं लगभग 50 बार बच्चे सांस लेते हैं, अगर बच्चा इससे ज़्यादा बार सांस ले रहा है या बच्चे को सांस लेते टाइम ऐसे गड्ढे पड़ रहे हैं तो आपको बच्चे के डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। कई केसेस में बच्चे को छाती से आवाज़ आती है, कभी नाक से गड़गड़ करता है, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि बच्चे को कोई कंजेशन हुआ हो, कोई म्यूकस हो, ऐसी कंडीशन में आपको बच्चे के डॉक्टर को तुरंत जाके दिखाना है, ताकि बच्चे की ये जो दिक्कत है ये आगे ना बढ़ सके। या हो सकता है कि बच्चे को सर्दी जुकाम हो चुका है या होने वाला है, ये किसी इंफेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ऐसी कंडीशन में तुरंत ही आपको बच्चे के डॉक्टर को जाके दिखाना है, ताकि बच्चे को जो दिक्कत आगे बढ़ने वाली है
वो ना बढ़े। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट लक्षण है जो शुरुआत के दिनों में कई पेरेंट्स का एक काफ़ी कॉमन कंसर्न होता है कि उनका बच्चा पहले से अब बहुत ज़्यादा रोता है, मतलब जो नेक्स्ट लक्षण है वो एक्सेसिव क्राई। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि आपका बच्चा काफ़ी ज़्यादा रोता है, तो नॉर्मली बच्चे भूख लगने पर रोते हैं, जब बच्चों को ज़्यादा नींद आ रही होती है ऐसी कंडीशन में बच्चे ज़्यादा रोते हैं, इरिटेट होते हैं। अगर बच्चे को कुछ इंटरेस्टिंग करना है, खेलना है, तब भी बच्चे रो सकते हैं, या बच्चे का डायपर फुल हो, बच्चे ने यूरिन स्टूल पास कर रखा है, उसको गीलापन लगेगा, ऐसी कंडीशन में भी बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, या पेट में बच्चे की कोई दिक्कत हो रही है, कोई गैस बन रही है, ऐसी कंडीशन में भी बच्चे ज़्यादा रो सकते हैं। अगर आप इन पाँचों चीज़ों को चेक कर चुके हैं और तब भी आपका बच्चा 3 घंटे से ज़्यादा रोता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको बच्चे के डॉक्टर को जाके दिखाना है। हम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे कि बच्चे की जो एक्सेसिव क्राई है वो किस वजह से हो रही है। इसके अलावा और जो लक्षण है, जैसे कि कई बारी पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है बच्चे की जो पॉटी का कलर है वो हरा है, पीला है, तो ये डिपेंड करता है शुरुआत के दिनों में बच्चा क्या खा रहा है, क्या ले रहा है। अगर बच्चा माँ का दूध ले रहा है तो ऐसी कंडीशन, या बच्चा फॉर्मूला मिल्क ले रहा है, या बच्चा सॉलिड स्टार्ट कर चुका है, तो ऐसी सारी कंडीशंस में बच्चे की स्टूल का कलर डिफरेंट हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं, वो एक नॉर्मल चीज़ है। इसके अलावा अगर बच्चे की पॉटी में ब्लड आता है, या बच्चा व्हाइट कलर का स्टूल पास कर रहा है, या ब्लैक कलर का स्टूल पास कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बच्चे के डॉक्टर को दिखाना है। कई बारी जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली जो बच्चे माँ का दूध ले रहे हैं, ऐसे बच्चे 10 से 12 बार तक पॉटी कर सकते हैं। कई बारी कुछ पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि बच्चा रोज़ पॉटी नहीं करता है, तो मैं आपको बता, जो बच्चे माँ का दूध ले रहे हैं वो बच्चे अगर 3 से 4 दिन के बाद भी अगर पॉटी करते हैं तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। अगर बच्चा माँ का दूध नहीं ले रहा है और बच्चा ऊपर से कुछ खा रहा है, या ऊपर से, या कोई गाय का दूध ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर बच्चे को लूज स्टूल होते हैं तो आपको बच्चे के डॉक्टर को दिखाना है। बेसिकली आपको ये याद रखना है, अगर आपका बच्चा 6 से 8 बार दिन में पेशाब कर रहा है और अच्छे से दूध पी रहा है तो ये कंडीशन नॉर्मल हो सकती है, लेकिन अगर बच्चा 10 से 12 बार पॉटी जा रहा है और अच्छे से दूध नहीं ले रहा है, 6 बार से कम पेशाब करता है, तो इन सारी कंडीशन में आपको अपने बच्चे के डॉक्टर को जाके दिखाना है। इसके अलावा जो एक और लक्षण है, जैसे कि अगर बच्चे को रैसेस हो जाते हैं, कभी कभी ऑयल, सोप या कपड़ों से बच्चे को एलर्जी हो सकती है शुरुआत के दिनों में, तो ऐसी कंडीशन में वो बच्चे को नॉर्मल हो सकता है। इसके अलावा कई बारी बच्चों में डायपर रैसेस हो जाते हैं, जो कि बच्चों में ज़्यादा देर तक डायपर पहनाने की वजह से हो जाते हैं, जनरली वो दवा लगाने पे 4 से 5 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो ये चीज़ें थी जो रैसेस में नॉर्मली बच्चे को हो सकती हैं। अगर बच्चे को रैसेस होते हैं, कोई दाने होते हैं, उसमें पस आता है, 1 या 2 पस आपको दिखते हैं, तब भी आपको बच्चे के डॉक्टर को जाके दिखाना है। वो एक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, सेप्सिस की वजह से हो सकता है, उस कंडीशन में एंटीबायोटिक का कोर्स करना ज़रूरी होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बच्चे के डॉक्टर को जाके दिखाना है। इसके अलावा और भी लक्षण हैं, जैसे कि जॉन्डिस। कई बारी शुरुआत के दिनों में जॉन्डिस होना बहुत ही कॉमन है, और अगर आपको बच्चे का कलर पीला लग रहा है, बच्चे की जो पाम सोल यानी हथेली और जो पैर का सोल है, अगर बच्चे का आपको पीला लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत आपके बच्चे के डॉक्टर को दिखाना है। और जितने भी मैंने आपको लक्षण बताए हैं, अगर आप इनके शुरुआत में ही अपने बच्चे के डॉक्टर से जाके कंसल्ट करेंगे तो ये चीज़ें इजीली ठीक हो जाती हैं और बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।